आयुर्वेद समाधान को आप लोग आज ही सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप हमारे वीडियो देख सकें। दोस्तों, शरीर में खून की कमी को एनीमिया या रक्ताल्पता कहते हैं, यानी रक्त की कमी। शरीर में आयरन की कमी के कारण हीमोग्लोबिन का बनना सामान्य से कम होने के कारण खून में कमी हो जाती है। ये कोशिकाओं में ऑक्सीकरण का दौरा कम कर देता है और शरीर को पर्याप्त ऊर्जा नहीं मिल पाती, जिसके चलते व्यक्ति एनीमिया से ग्रस्त हो जाता है। एनीमिया भारतीय महिलाओं के बीच एक सामान्य समस्या है, जो गर्भवती महिलाओं में तो पाई जाती है, उसके साथ साथ मासिक धर्म के दौरान अत्यधिक रक्तस्राव के कारण अधिक पाई जाती है। लेकिन घबराइए नहीं, क्योंकि कुछ प्राकृतिक उपाय हैं जिनसे आप इस समस्या से बच सकते हैं। इनमें आप हरी पत्तेदार सब्जियों का प्रयोग कीजिए। हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, मेथी, ब्रोकली, पत्ता गोभी, धनिया और शलजम आयरन और फॉलिक एसिड का बहुत अच्छे स्रोत हैं। खास तौर पर ये गर्भावस्था के दौरान शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। साथ ही इससे वजन तो कंट्रोल होता ही है और खून में तेजी से बढ़ोतरी होती है। हरी पत्तेदार सब्जियों को खाने से पेट भी ठीक रहता है। एनीमिया से ग्रस्त लोग अपने सूप, रोटी, सांभर या करी में इन सब्जियों का उपयोग कर सकते हैं। ये शाकाहारी आहार में आयरन को बढ़ाने वाले सर्वोत्तम तरीकों में से एक हैं। अगला है अनार। अनार आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम और अन्य मिनरल्स से समृद्ध फल है। इसके अलावा विटामिन सी की मौजूदगी इसे आयरन के अवशोषण में सुधार कर एनीमिया के लिए सबसे अच्छे प्राकृतिक उपचार में से एक बनाता है। इसके अलावा प्रतिदिन अनार का जूस पीने से शरीर में रक्त का संचालन अच्छी तरह से होता है। बात करेंगे खजूर की। खजूर आहार फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट का बहुत अच्छा स्रोत है। इसके अलावा इसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन ए, विटामिन सी के अलावा सोडियम, सल्फर, क्लोरीन और आयरन की पर्याप्त मात्रा होती है। ये सब मिलकर इसे एनीमिया को दूर करने वाला एक कारगर उपाय बनाते हैं। खजूर को आप ताजा या चटनी के रूप में, इमली या गुड़ मिलाकर, या फिर लड्डू, बर्फी या केक जैसे व्यंजनों में मिलाकर भी खा सकते हैं। बात करेंगे गुड़ की। जी हाँ, अधिकांश भारतीय परिवारों में प्रयुक्त होने वाला काले रंग का चीनी का विकल्प यानी गुड़ हीमोग्लोबिन के स्तर में सुधार करने में मदद करता है। गुड़ आयरन का प्रमुख स्रोत होने के कारण एनीमिया के मरीजों के लिए बहुत फायदेमंद है। खासतौर पर महिलाओं के लिए इसका सेवन बहुत अधिक जरूरी है। बात करेंगे शतावरी की। शतावरी बहुत पहले से महत्वपूर्ण औषधि के रूप में जानी जाती है। इसका प्रयोग कई प्रकार के रोगों में किया जाता है। शतावरी झाड़ी नुमा पौधा होता है, जिसमें फूल और मंजरियां 1 से 2 इंच लंबे या गुच्छे के रूप में होते हैं। शतावरी को शुक्र जनन, शीतल, मधुर और दिव्य रसायन माना जाता है। आयुर्वेद के अनुसार शतावरी संयंत्र सतावर से प्राप्त किया जाता है, जो एनीमिया को दूर करने का उपाय माना जाता है। मार्केट में इसके बने प्रोडक्ट भी आपको मिल जाएंगे, आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बात करेंगे चुकंदर की। चुकंदर से प्राप्त उच्च गुणवत्ता का जो लोह तत्व होता है, वो रक्त में हीमोग्लोबिन का निर्माण कर लाल रक्त कणिकाओं की सक्रियता को बढ़ा देता है। खून की कमी यानी एनीमिया की शिकार महिलाओं के लिए चुकंदर रामबाण से कम नहीं है। चुकंदर के अलावा चुकंदर की हरी पत्तियों का सेवन भी बहुत लाभकारी है। इन पत्तियों में 3 गुना अधिक आयरन तत्व होता है। बात करेंगे विटामिन सी युक्त फलों की। विटामिन सी गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट से आयरन का अवशोषण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसलिए एनीमिया से ग्रस्त लोगों को अपने आहार में संतरा, स्ट्रॉबेरी, कीवी और अंगूर जैसे खट्टे फलों को शामिल करना चाहिए। इसके अलावा विटामिन सी से लाभ प्राप्त करने के लिए आप अपने सलाद या करी में नींबू के रस को भी मिला सकते हैं। दोस्तों, आयुर्वेद समाधान जीवन जीने की एक पद्धति है, जिसमें बताए गए नुस्खे वैद्यों की राय के मुताबिक हैं। जीवन को निरोग बनाने के लिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए आयुर्वेद समाधान, क्योंकि आयुर्वेद समाधान है हर रोग का निदान।